स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोमैन 360 और आज हम देखेंगे मीवी एयरपॉड्स जो कि काफी हद तक अच्छे भी है लेकिन इनकी सर्विस कतई घटिया है, एक नंबर की घटिया सर्विस है। मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा कोई भी मीवी का प्रोडक्ट मत लेना क्योंकि यार इनकी सर्विस और हेल्पलाइन नंबर दोनों भी यूजलेस है। चलिए देखते हैं क्यों मैं इसे कह रहा हूं। सो लेट्स गो ऑन। ये प्रोडक्ट एक्चुअली में जब मेरे पास आया था ये प्रोडक्ट यूज किया हुआ था लाइक सीरियसली गाइस क्या ही बताऊं मैं अभी आप लोगों को। मैंने इनको मेल किया था, ये प्रोडक्ट एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था 1 तारीख को। 1 तारीख के बाद मैंने जब इसे ऑर्डर किया उसके बाद में लाइक जब मैंने इसे खोला देखा और तो ये यूज था, इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्रैचेस थे एंड एवरीथिंग एल्स। क्या मतलब पता नहीं मुझे, मुझे लगा कि यार देखो अच्छा होगा, स्क्रैचेस वगैरह थे, मैंने सोचा चलो ठीक है ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप चाहे तो सुन सकते हैं ये चीज, ये एक्चुअली में आवाज कर रहा है। लाइक क्यों जरूरत है क्या? चलो देखते हैं इसके लाइक और क्या क्या है क्या नहीं है। ये क्या है, 1 year वारंटी, रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल, टेक अ फोटो, योर इनवॉइस रिसीव्ड, व्हाट्सएप। इनका व्हाट्सएप नंबर तो सच में यूजलेस ही है। ये क्या है, वेलकम टू द क्रू, कुछ काम का नहीं है। और क्या है, खाली बॉक्स, कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते, कुछ भी नहीं, इसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें है। वायर रिचार्जिंग के लिए, ओ बड्स है इसके अंदर, सही बात है। चलो एक काम तो सही है एक्चुअली क्योंकि बड्स गुम हो सकते हैं। देखो यार, तो ये है मीवी एयरपॉड्स जो कि आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली में काफ़ी छोटे है देखने के लिए गए तो ऐसे, लेकिन फिर भी यार मुझे एक चीज़ नहीं पता लग रही है कि यार अगर कस्टमर को कुछ है, क्यूरी है, सो व्हाई कांट यू गाइज रिप्लाई। मैंने इनको मेल भी किया था लाइक अराउंड 8 तारीख को मैंने शायद से इन्हें मेल किया था, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। व्हाट्सएप पे मैंने इन्हें इमेज भी शेयर किया कि आई थिंक माई एयरपॉड्स इज लाइक यूज्ड, और फिर भी ये नहीं। तो चलिए अब इसकी रेंज और क्वालिटी के बारे में बात करते हैं क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विस तो कतई घटिया है। तो मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इनसे प्रोडक्ट मत लो, पता नहीं कब कौन से प्रोडक्ट में क्या आ जाए और आपका फुद्दू काटा जाए। सो लेट्स सी अब इनके बारे में और जानते हैं। तो अब आता है इनकी ड्यूरेबिलिटी पे। ड्यूरेबिलिटी और इनके रेफरेंस के बारे में कहूँ तो रेफरेंस इनके काफ़ी तगड़े थे, बहुत अच्छे थे रेफरेंस एक्चुअली में इनके। काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने और सभी लोगों ने मीवी को सपोर्ट किया है, सपोर्ट कर मतलब उनकी एडवर्टाइज की हुई है। लेकिन हम यहाँ पे मीवी की एडवर्टाइज करने के लिए नहीं, उसकी इज्जत उतारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो कस्टमर सर्विस इनकी बेकार है, कस्टमर सर्विस के लिए 0 पॉइंट्स। रही बात इनकी वाटर रेजिस्टेंस, हाँ तो वाटर रेजिस्टेंस है, ये एक प्लस पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है। मीवी एक्चुअली में अपना 100% दे रहा है। अभी कस्टमर सर्विस बेकार, सही में बेकार। मुझे ये चेंज करवाना था लेकिन मैं चेंज नहीं करवा पाया, मुझे 10-12 मिनट तक होल्ड पे रखा है इन लोगों ने, इनकी हेल्पलाइन नंबर ने। और उनकी साइट पे अगर जाओ तो उनकी साइट पर लिखा हुआ है कि 10 से 5 बजे तक ये लोग खुले, लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहाँ पे, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है, इसको पता है हम लोग कैसे चेंज करें, क्या करें क्या नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना ब्रोज, या फिर बस पैसे दे दिए, प्रोडक्ट ले लिया, ख़त्म बात। भाई उसके अंदर क्या है, उसकी वायर निकली हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये तो बाद में पता चलेगा ना। तुम्हारा वारंटी पीरियड भी ऐसा घटिया है कि लाइक भाई कहाँ पे करें, व्हाट्सएप पे इमेज भी भेज दिया, सारी चीज़ें कर दी, रिप्लेसमेंट भी मांग लिया कि भाई मेरे को कलर दूसरा चाहिए, आई ऑर्डर्ड अ रॉन्ग कलर, बट नहीं, कहाँ पे करें कंप्लेंट। नेक्स्ट है अभी जब मैं इसे गाड़ी पे पहनता हूँ, तो यार जब मैं बाइक पे होता हूँ दैट टाइम ये काफ़ी ज़्यादा बफर करता है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक अगर सिंपली भी फ़ोन लाइक मेरे पॉकेट में है और मैं बाइक चला रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ सिंपली से, देन आफ्टर दैट इट इज़ लाइक कि अपने आप बफर होना चालू होता है सिग्नल की वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से। मे बी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हाई लो होती रहती है, चलो मान लिया, लेकिन गाड़ी पे भाई फ़ोन मेरे पॉकेट में है और पास आ जाता है फ़ोन, हेडफोन्स मेरे कानों में, ये मेरी जेब में, चलो ये भी मान लिया कि एक करेक्टर की तरह काम करता है, कर सकता था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसे किया नहीं, बट स्टिल था पॉकेट में था, फिर भी इतना बफरिंग क्यों कि लाइक हर सॉन्ग इतना बफर हो रहा था कि उसके मेन लिरिक्स, मेन टेम्पो, मेन चीज़ पे मैं उसे उस गाने को मिस कर रहा था। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा। रही बात जब मैं रूम में होता हूँ, जब आराम से कुछ काम कर रहा होता हूँ, बर्तन धो रहा होता हूँ या फिर साफ सफाई कर रहा होता हूँ, दैट टाइम मैं अपने फ़ोन को एक जगह पर रख के आराम से इन्हें पहन के कहीं भी जा सकता हूँ और ये गिरते भी नहीं है। ये गिरते इसीलिए नहीं है क्योंकि है कंफर्टेबल लगते हैं पहनने में,
कोई शक नहीं कंफर्टेबल है पहनने में, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। भले ही मैं कितना भी कूदूँ, एक्सरसाइज करूँ या फिर वट एवर। देखो हम लोग ब्लूटूथ हेडफोन्स यूज़ क्यों करते हैं, मेनली पर्पज़ है एक्सरसाइज के लिए, ना कि शो ऑफ के लिए या फिर वट एवर। जिनको शो ऑफ करना है उनके लिए तो भाई 50 रुपए के भी ब्लूटूथ हेडफोन चल जाएंगे, लेकिन जिन्हें एक्चुअली में है वो लोग एक ही एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि यार आप एक्चुअली में एक अच्छा प्रोडक्ट दो, एक अच्छी सर्विस दो। क्योंकि एक 8 फुट के गैप के बाद, सात फुट के गैप के बाद ये एक्चुअली में बफर होना चालू होते हैं। तो फिर आपको ऐसे मुंडी करो, यहाँ पे सिग्नल लगाओ, वहाँ पे सिग्नल लगाओ, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम ऑर्डरिंग फ्रॉम मीवी, क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विस कतई घटिया है। और एक बात कहना चाहूँगा कि ऑर्डर करते टाइम अपना पैसा बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, सब कुछ देखो, समझो, सुनो, फिर कहीं जाके ऑर्डर करो, किसी भी साइट से ऑर्डर करना हो। क्योंकि आजकल लोगों को सर्विसेज से नहीं, सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। तो प्लीज़ आप लोग समझो, जानो, और आजकल स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं, सो बी अवेयर गाइज। एंड थर्ड वेव अभी अपनी कगार पर है, तो प्लीज़ मास्क पहनो, वैक्सीनेशन नहीं किया है तो वैक्सीनेशन करवा लो। और मिलता है आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में टॉपिक क्या रहेगा गाइज प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ यार, क्योंकि बता देने हैं यार, बस देख के चले जाते हैं यार, बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, क्या बोलूँ अभी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आगे चल के हमें और भी ज़्यादा स्कैम्स की ओपनिंग करनी है, और जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी मुझे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों के सामने जो ट्रुथ रिवील करने वाला हूँ ना, आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि यार ये ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि आप रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी में स्कैम्स के शिकार होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। बिकॉज दिस कंपनियाज एंड एवरीथिंग, कंपनीज कहो, कंपनियाज कहो, या फिर जो कहने कहो, ये आपका फुद्दू काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से काट रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इनके पोल खोलेंगे हम लोग जल्दी, लेकिन एक बस ऑडियंस बेस तैयार हो जाए अपना, फिर अपन रोल ऑन करने के लिए चालू कर देंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।